वेलकम बैक दोस्तों, साइकिल सिटी में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो स्मार्ट एमएस जो स्मार्ट टारगेट है, एमएसआर वगैरह जो भी है, इसके हम लोगों ने टूल्स एक्सप्लेन किए थे और सीखे थे, तो उसके बारे में ये रिंग हमने बनाई थी। लास्ट वीडियोज ही आपने देखे ही होंगे। सो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इसी यही ऑप्शन के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे, देखते हैं एक बार शैंक वगैरह बनाएंगे और देखते हैं हम लोग कहाँ तक, क्या तक कितनी अच्छी चीज बना सकते हैं। कोई प्लान नहीं है, कोई मतलब मैंने क्या सोचा नहीं है, मैंने क्या डिसाइड नहीं किया कि मैंने क्या बनाना है। सो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी फ्लो जाता रहेगा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ओल्ड ऑप्शन देखिए, फिर आप आइए यहाँ पे ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है इस ऑप्शन के बारे में, तो प्लीज आप पहले इससे जस्ट पहले के दो वीडियोज देखिए और उसके बाद ही हम लोग इसके अंदर वर्किंग करेंगे। मतलब 16 एंड 17 नंबर का वीडियो जरूर देखिए, और नहीं अपने सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने और भी बहुत सारे राइनो के वीडियोस है, वो देख लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जब हम लोग नए नए ऑप्शंस करने वाले हैं, इसके प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करेंगे, तो आपको वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। वीडियो के एंड में लाइक करना मत भूलिए, और सारी चीजें आपको अलग अलग लोगों से शेयर करना मत भूलिए जो जिनको इनकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो दोस्तों। चलिए, इसके बारे में तो हमने किया ही था, हम लोगों ने किस तरीके से इसको वर्किंग की थी और क्या किया था। सो अभी हम लोग इसको पूरे चीज को एमएसआर ऑफ करके डिलीट कर देते हैं, कुछ लॉक नहीं है। ये लॉक है, डिलीट कर दिया मैंने। लेट स्टार्ट दोस्तों, लेट सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। रिंग साइजर ले लिया मैंने यहाँ पर यूएसए 7 के, और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, और एक और ले लेते हैं जिसको पूरा थोड़ा अलग बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा रोटेट करता हूं। फिर चलते हैं हम लोग टूल्स में, एमएसआर का ये ऐड करना है स्मार्ट टारगेट, राइट। मैं इस तरीके से ले लिया, राइट क्लिक, फिर से एक हिस्सा ले लिया, फिर राइट क्लिक, इस तरह से ले लिया, फिर इस तरह से ले लिया, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं स्टार्ट। स्मार्ट ब्लेंड ओके, ये स्टार्टिंग में होना था। नो ओके, नो ओके ओके, गुड। अब ये हो चुका है, और जैसे कि आपको स्मार्ट ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने ग्रीन कलर के ऊपर ये जो बनाया है, अब मैं इसको ब्लू कलर में लेता हूं और स्मार्ट ज्वाइन कमांड से 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, ये बन चुका है। अब मैं इसको करता हूं जो लॉक कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, इसको ग्रुप करता हूं मैं, हाइड कर देते हैं इसको, और इन कर्व्स की भी कोई जरूरत तो फिलहाल तो नहीं है, हाइड कर दिए मैंने। ओके, एंड ये जो कर्व है इसको लॉक किया है मैंने, इसका मैं एरे करता हूं टॉप से, एरे पोलर एरे 0 enter 2 enter। ओके दोस्तों, ठीक है, अब इन दोनों को भी मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे और एक लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं ग्रीन पे चलता हूँ। ठीक है, और फिर मैं करता हूं जॉइन। ओके, अब इनको भी मैं
राइट कर देता हूँ, ये मेरी लाइन आ चुकी है यहाँ पे। लेट्स सी कि हम इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं स्मार्ट एमएस ऑन करता हूँ, इसको टॉप को लॉक करना पड़ेगा। स्मार्ट एमएस ऑन है, कर चुका हूं मैं स्टार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा रोटेट करता है। हाँ ये राइट, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने कर तो दिया है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहूंगा। लेट्स सी, ओके दोस्तों, अब ये तो मैंने कर दिया है। स्मार्ट एमएस आर ऑफ कर देता हूं मैं, ओके। और दोस्तों ये जो कर्व है इसको मैं एक्सट्रूड करता हूं, ओके, और इसको इसके ऊपर पुल करता हूं। तो पुल, ठीक है, हिस्ट्री ऑन है। सो दोस्तों इसको मैं हाइड कर दिया। तो क्या है कि आप जो भी बनाओगे, मतलब जो भी आप अगर चेंजेस करते हो स्मार्ट एमएस और ऑन करके, तो ये इसके साथ भी चेंजेस वगैरह सारी चीजें होंगी। सो ये हो गया है, और स्मार्ट एमएस ऑफ करके इसको भी मैं फिलहाल के लिए हाइड कर रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोफाइल लेते हैं, प्रोफाइल पे सर कर्व ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, और सेकेंड रेल लेते हैं ये वाला, राइट। उप्स, नहीं गलत है, फर्स्ट कर्व ले लिया मैंने और सेकेंड रेल ये ले लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, और अब मैं प्रोफाइल थोड़ा चेंज करता हूं, मैं थोड़ा सीधा सीधा प्रोफाइल लेते हैं, ओके। फिर एक ऐड करता हूं और एक, वेट अ मिनट, मिरर, रोटेटेड मिरर, कुछ गड़बड़ है। ओके, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं यहां पर रखता हूं, थोड़ा सा क्लोज नहीं करूंगा बस, ओके राइट दोस्तों, ठीक है। और इस तरीके से रखने के बाद में मैं अभी राइट क्लिक करता हूं, स्वीप टू रेल करते हैं हम लोग इसको, वन टू एंड थ्री, ओके, मेंटेन हाई काउंटर से रखी मैंने, लेट्स सी, सबकी चौड़ाई एक ही जैसी है। अब मैं सिलेक्ट करके जीवी प्रोफाइल कमांड देता हूं, लेट्स सी कि क्या होता है, ओके,
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो गया ये। अब हमें क्या करना है, मिसार के ऊपर क्लिक करके थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको। सकते हो यहां पर हम कर्व को थोड़ा एडजस्ट करके, देखिए अपना हमारे हिस्ट्री वाली परफेक्ट हिस्ट्री की जो रिंग है वो बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट करके बना सकता हूँ। कुछ भी मॉडिफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, देखिए राइट। इस तरीके से हम हिस्ट्री बेस्ड रिंग परफेक्टली बना सकते हैं अगर आपको जैसा चाहिए उस तरीके से। और अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, बहुत ही बढ़िया। आप इसको सेव करके रख सकते हो, जैसे कि आप प्रोजेक्ट में जाके आप यहाँ पे नया एक रिंग्स करके या रिंग 1 2 1 करके आपने एक बना दिया, क्रिएट कर दिया आपने। और इसके बाद में आपने रिंग में, जैसे ये रिंग है तो ये पूरे सिलेक्ट करके, मतलब एमएसआर ऑफ कर दीजिए, ऑफ कोर्स एमएसआर ऑफ कर दीजिए, और इसको आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ये रह गई है एक्चुअली, सो इजी वे है। और उसके बाद जब भी आपको कॉल करना चाहो, जैसे कि हमारे पास ये नहीं है समझ, तो आप इसको कभी भी कॉल करके ले सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम लोग जल्दी जानने की कोशिश करेंगे, पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको इसके बारे में, और क्या फायदा है इसका और कितनी बढ़िया ऑप्शन है ये आपको इसके बारे में मैं समझाऊंगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप इसको बहुत ही इजी वे में, आपको हिस्ट्री बेस्ड ऑप्शन करके रखना है तो आप करके रख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको इसके अंदर और काम करने में मजा आएगा। सो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे स्मार्ट टारगेट्स क्या होता है। अगर इसके अंदर कुछ भी अगर ऐड करना है दोस्तों तो आप इसको कहीं और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको कहीं पे ऐड करना है हमेशा ऑफ है ये, तो आप स्मार्ट टारगेट ऐड डायरेक्शन अब इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से डायरेक्शन, अगर कहीं और ऐसे चाहिए होगा आपको, मैं फ्रंट में आता हूँ क्योंकि इजी में समझ में, ठीक है यहां से करता हूँ। इस तरीके से आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं चाहिए तो, जैसे नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, देखिए इस तरीके से। उस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो आपको अगर नहीं चाहिए तो, ठीक है। और इसके अंदर स्मार्ट टारगेट ऑन एंड कर्व, कर्व के एंड पे अगर देना है आपको तो भी आप दे सकते हो, ये देखिए जैसे ये है, इसके एंड के कर्व पे आ गया, पूरा एंड पे आ गया ये, इस पे भी दे सकते हो आप। तो ये क्या है, इजीली आप इसको अप एंड डाउन वगैरह जो भी करना है अब इसको कर सकते हो, ये देखिए तो ओके एंड पे है ये पूरा, ठीक है दोस्तों। और ब्लेंड वाला तो आपको मैंने बता ही दिया है इसके अंदर। सो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे, अगर कुछ भी इश्यू है तो
प्लीज आप मैंने बहुत कोशिश की है 100% देके कि आपको अच्छे से समझ में आई है और बहुत बढ़िया तरीके से। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और कोशिश की है मैंने पूरी तरह से कि आपको समझाने की, अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम ट्विटर और ईमेल मेरा है, कमेंट बॉक्स है, आप किसी पे भी कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, जो हो सकता है कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।